हरे कृष्णा एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे इज सैटरडे, आज सैटरडे है, शनिवार है एंड योर एक्टिविटी डे, आज आपकी क्लास का एक्टिविटी का पीरियड है। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर आर्ट लाइंस एंड पैटर्न्स बुक, आप सभी अपनी एक्टिविटी बुक जिसका नाम क्या है, आर्ट लाइंस एंड पैटर्न्स बुक सभी निकालेंगे। आज हम इसमें न्यू एक्टिविटी वर्क करेंगे। शो द पेज नंबर 4444 नंबर पेज पर आज का हमारा एक्टिविटी वर्क है। मैच द करेक्ट शेप्स कलर देन। आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शेप्स के पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, ये कलर करे हुए हैं, इधर भी शेप्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं, लेकिन कैसे, विदाउट कलर, इनमें कलर फील करा हुआ नहीं है और ऊपर नीचे दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल शेप है तो यहाँ पर इन्होंने ट्रायंगल शेप दे दिया, इधर ट्रायंगल है तो इधर स्क्वायर शेप दे दिया, इधर सर्कल है तो इधर रेक्टेंगल दे दिया। अब आपको क्या करना है, करेक्ट शेप मैच करना है, मतलब सेम शेप्स के पिक्चर्स आपको आपस में मैच करना है। जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल शेप है तो यहाँ पर इन्होंने रेक्टेंगल शेप से अपने को मैच करते हुए बताया है। अब देखिए सेकंड शेप कौन सा है, आइडेंटिफाई कीजिए, ये है ट्रायंगल शेप। तो आपको इधर ढूंढना है कि ट्रायंगल शेप कहाँ है, यहाँ फर्स्ट नंबर में ट्रायंगल शेप है तो आपको पेंसिल से इसको मैच करना है। मैच करने के लिए ऑल ऑफ यू टेक आउट योर पेंसिल, सभी पेंसिल निकालेंगे अपनी और ट्रायंगल शेप के पास में यहाँ पे आपको एक डॉट दिखाई दे रहा होगा, आपको इस डॉट से इधर वाले ट्रायंगल शेप के डॉट से ऐसे स्लैंटिंग लाइन से मैच कर देना है। ओके, देन थर्ड शेप कौन सा है हमारा, सर्कल शेप। सर्कल शेप आपको इधर ढूंढना है कहाँ पे है, तो यहाँ पर नीचे, सबसे नीचे हमें कौन सा शेप मिलेगा, सर्कल शेप। तो यहाँ पे सर्कल शेप के पास में जो डॉट दिया है, हमें इधर वाले सर्कल शेप के डॉट से ऐसे स्लैंटिंग लाइन बनाकर मैच कर देना है। ओके, अब थर्ड फोर्थ शेप कौन सा है हमारा, स्क्वायर शेप। अब आप देखिए स्क्वायर शेप इधर ढूंढिए कहाँ पर है, ट्रायंगल, ट्रायंगल के बाद स्क्वायर, तो हम इस स्क्वायर शेप के डॉट को इस स्क्वायर शेप के डॉट से ऐसे स्लैंटिंग लाइन से मैच कर देंगे। ओके, देन अब लास्ट शेप कौन सा है हमारा, रेक्टेंगल शेप। अब आप इधर भी आइडेंटिफाई कीजिए, ये यहाँ पर ऐसे इस पोजीशन में है, ये वाला रेक्टेंगल इस पोजीशन में है, तो हमने दोनों पोजीशन वाले को सेम को मैच किया है। अब लास्ट है रेक्टेंगल और यहाँ पर ये भी हमारे पास लास्ट वन बचा है शेप, इनको हम स्लैंटिंग लाइन से ऐसे मैच कर देंगे। अब ये तो हो गया मैच द करेक्ट शेप, सेम शेप्स को आपको मैच करना था। फिर क्या बोला है उन्होंने, कलर देन। अब उनको कलर भी करना है हमें, जैसे हमने इस शेप को इस शेप से मैच किया है, इसमें कौन सा कलर फील हो रहा है बताइए आप सभी, यस येलो कलर। हमें अब इस शेप में भी येलो कलर करना पड़ेगा। कलर करने के लिए आप सभी अपनी कलर क्रेयॉन किट निकालिए, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कलर क्रेयॉन किट, और कलर क्रेयॉन किट में से हम निकालेंगे येलो कलर, और यहाँ पर जो ऐसे रेक्टेंगल शेप से हमने मैच किया है उसमें येलो कलर ऐसे फील कर देंगे। आप ध्यान रखेंगे जो रेक्टेंगल शेप है उसके आउटलाइन से कलर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे पूरा येलो कलर से हम इसको फील कर देंगे। अब सेकेंड शेप है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल शेप को हमने इस ट्रायंगल शेप से मैच किया था और इसमें कलर कौन सा फील है, स्काई ब्लू। सभी स्काई ब्लू कलर निकालेंगे और ट्रायंगल शेप में स्काई ब्लू कलर भर देंगे, फील कर देंगे इस ट्रायंगल शेप को स्काई ब्लू कलर से, और ये ध्यान रखेंगे कि आपको आउटलाइन से कलर बिल्कुल बाहर नहीं निकालना है, ऐसे। ओके, अब थर्ड शेप है हमारा सर्कल। सर्कल शेप यहाँ पे मैच किया हमने और सर्कल शेप में कौन सा कलर फील हो रहा है, ग्रीन कलर। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर कलर ग्रीन कलर इन योर कलर क्रेयॉन किट,
आप सभी अपनी कलर क्रेयॉन किट में से ग्रीन कलर निकालिए और सर्कल शेप में ग्रीन कलर फिल कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिए कि सर्कल शेप की आउटलाइन के बाहर कलर नहीं जाना चाहिए और सर्कल शेप पूरा ग्रीन कलर से फिल हो जाना चाहिए ऐसे। ओके, अब फोर शेप है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर शेप हमने यहाँ पर मैच किया है और स्क्वायर शेप में कौन सा कलर फिल है? ऑरेंज कलर। तो हम इधर वाले स्क्वायर शेप में भी ऑरेंज कलर फिल कर देंगे और इस बात का ध्यान रखेंगे कि स्क्वायर शेप की आउटलाइन से कलर बाहर ना जाए। अब फिफ्थ शेप है हमारा रेक्टेंगल और रेक्टेंगल शेप में कौन सा कलर फील है? रेड कलर। तो हम इधर वाले रेक्टेंगल शेप में भी रेड कलर फील कर देंगे। धीरे धीरे आप कलर को चलाएंगे और रेक्टेंगल शेप में रेड कलर फील कर देंगे ऐसे। डियर स्टूडेंट्स, ये आज आपका वर्क है जो आपको कंप्लीट करना है। ओके, इसी के साथ में आपको ये भी बताना है, ओरली बताना है आपको। द नेक्स्ट पेज पर ही आपके दी एक्टिविटी दी हुई है, नेम द पिक्चर दैट विल कम नेक्स्ट। आपको ओरली बताना है। यहाँ पर फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले कौन सा फ्रूट है? ऑरेंज, देन बनाना, ऑरेंज बनाना। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर नेक्स्ट फ्रूट कौन सा आएगा। तो पहले कौन से? ऑरेंज बनाना, ऑरेंज बनाना, ऑरेंज। कौन सा फ्रूट आएगा यहाँ पर? ऑरेंज। तो आपको ओरली बताना है कि यहाँ पर कौन सा फ्रूट आएगा। अब ऑब्जेक्ट्स में हमें दिखाए गए हैं पिक्चर्स में बलून, बलून के बाद में पेंसिल, पेंसिल के बाद बलून, बलून के बाद पेंसिल। तो पेंसिल के बाद अब कौन सा ऑब्जेक्ट पिक्चर आएगा? बलून। ओके, अब यहाँ पर एप्पल का पिक्चर है, एप्पल के बाद बॉल, एप्पल बॉल। अब यहाँ पे कौन सा पिक्चर आना चाहिए? एप्पल। अब वेजिटेबल्स के पिक्चर है, सबसे पहले देखिए ओनियन कैरेट, ओनियन कैरेट। अब क्या आएगा यहाँ पर? ओनियन। डियर स्टूडेंट, आपको ओरली बताना है कि नेम कौन सी पिक्चर दैट विल कम नेक्स्ट। यहाँ पर कौन सी पिक्चर यहाँ पर नेक्स्ट आएगी। इसी के साथ ही मैं आपको एक वर्कशीट प्रोवाइड करूंगी, व्हाट विल कम नेक्स्ट, ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर। ओके, आपको ओरली तो बताना ही है, उसके बाद आपको रिटर्न में भी वर्क करना है कि यहाँ पर आपको शेप्स के पिक्चर्स दिए हुए हैं। अब आपको बताना है कि नेक्स्ट शेप पिक्चर कौन सा आएगा, उसको आपको ड्रॉ भी करना है और फिर कलर भी करना है। जैसे स्क्वायर सर्कल, स्क्वायर सर्कल स्क्वायर, यहाँ पे कौन सा पिक्चर आ जाएगा? स्क्वायर। तो आपको ऐसा स्क्वायर यहाँ पे बनाना है और उसमें येलो कलर फील करना है। ओके, ये एक्टिविटी आज आपको कंप्लीट करनी है और फिर मुझे सेंड करनी है। ओके बच्चों, नाउ आवर क्लास इज वाइंड अप। हरे कृष्ण ऑल ऑफ यू।